डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास टेंथ का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो प्रीवियस पार्ट में जो है हमने क्वेश्चन लास्ट में किया था, और उससे पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन को समझा था, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, दैट वी हैड प्रूव्ड ऑलरेडी। तो उसको हमने प्रूव कर रखा है। तो आई होप यू हैव पीपल हैव गॉन थ्रू दैट। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इससे पहले वाला पार्ट जो है उसको पहले देख लें। नाउ आज के सीरीज में जो है, आज का जो पार्ट है उसमें हम लोग फर्दर एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इस तरह का आता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट। एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है, या सिंपल से बोलो सर्किट डायग्राम बनाना है, सच दैट कि इसमें 3 सेल का बैटरी है, और हर सेल का कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट। मतलब वी आर हैविंग 3 सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट। हर सेल का 2 वोल्ट का है पोटेंशियल है, और सर्किट में 5 ओम रेसिस्टर, 8 ओम रेसिस्टर एंड 12 ओम रेसिस्टर क्या करना है, कनेक्ट करना है। एंड अ प्लग की एक की भी रहेगा, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, और सभी का सभी क्या हुआ, सीरीज में होगा। तो मैंने बताया था यहाँ पे पहली बात तो क्या है, सेल है। तो सेल क्या होता है, इस तरह से नोट करते हैं रिप्रेजेंटेशन अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पे 3 सेल है, क्योंकि सेल से ही बैटरी बनता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल फॉर्म्स बैटरी। तो यहाँ पे 3 सेल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से अलग अलग सेल इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगा। तो अगर ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट है, इसका मतलब पूरा जो हमारे पास ये जो कंप्लीट पूरा ये जो बनेगा ये बैटरी बन जाएगा, और इसका पोटेंशियल जो होगा ये कितना होगा, तो हम लोग जो है उसका 6 वोल्ट लिखेंगे, ठीक। तो ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, यू कैन सी हमने क्या किया, एक बैटरी पहले क्या किया, लगा दिया 6 वोल्ट का, 2 2 प्लस 2 करोगे तो 6 वोल्ट। नाउ अब यहाँ पे बैटरी है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव। तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव कौन सा होता है, तो जो लार्जर होता है लाइन्स वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जो स्मॉलर होगा उसको निगेटिव टर्मिनल हम लोग उसको शो करते हैं। देन हमारे पास क्या है कि रेसिस्टर है 5 ओम का, तो 5 ओम का है तो इधर से वायर कनेक्टिंग वायर होगा, और यहाँ पे क्या है 5 ओम का क्या करेंगे, रेसिस्टर लगाएंगे। फिर 8 ओम का है तो 8 ओम का लगाएंगे। तो रिमेंबर वन थिंग कि ये सीरीज में बोला है, तो जहाँ पे 5 ओम जाएगा एंड पे होगा वहीं से 8 ओम शुरू हो जाएगा, फिर 8 ओम का जहाँ एंड होगा फिर वहीं से 12 ओम का कनेक्ट हो जाएगा। तो यू कैन सी हम लोग इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। सीरीज में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। उसके बाद क्या बोला, एक प्लग की है, तो प्लग की है तो हम लोग पहले यहाँ से यहाँ तक आएंगे, और यहाँ पे एक की लगा देंगे। की को, की का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये जो होता है की का सिंबल इस तरह से हम लोग पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसका सेकेंड में क्या बोला है, पुट एन एमीटर टू मेजर द करेंट थ्रू द रेसिस्टर एंड ए वोल्ट मीटर। तो पहली बात तो क्या है, एमीटर बोला है, तो एमीटर का याद होगा आप लोगों को कि एमीटर को हम लोग जो कनेक्ट करते हैं सर्किट में वो सीरीज कॉम्बिनेशन में किया जाता है, तभी तो हमें सर्किट का करंट मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ पे क्या किया गया है, एमीटर को कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे क्या है, एमीटर कनेक्टेड है। देन हमारे पास क्या है, फर्दर है अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर। हमारे पास क्या है कि 12 ओम रेसिस्टर के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था। 12 ओम जहाँ पे होगा, 12 ओम जहाँ रेसिस्टर है, हम लोग क्या करेंगे उसके अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से या इधर आप ऊपर भी ले जा सकते हो, इस तरह से क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 12 ओम को बोला है तो 12 ओम के अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अगर 8 ओम के बोला जाता है तो 8 ओम के अक्रॉस हम लोग कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं पैरेलल में। देन क्वेश्चन है फर्दर, व्हाट शुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आएगा, तो एमीटर क्या चीज़ का, पहली बात तो है एमीटर क्या चीज़ का रीडिंग देता है, तो करंट का रीडिंग होता है। तो करंट मतलब सर्किट का करंट। तो करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट का करंट I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V/R। इसका मतलब सर्किट का पोटेंशियल दिया हुआ है जो कि 6 वोल्ट है। अब हमें R निकालना है सर्किट का, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो हमारे यहाँ हमारे पास जो है 3 रेसिस्टर जो है वो क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीरीज में, तो क्या करते हैं, सबका सम करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से निकालते हैं, करेक्ट, यही होता है ना। तो यही चीज़ है। तो हमने क्या किया, टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट, टोटल रेसिस्टेंस मतलब क्या, आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो तीनों का सम हो जाएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो 5 + 8 + 12 दैट इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 25 ओम आ जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। अब करंट सर्किट में निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V/R।
आर वी अपन आर, तो वी का फॉर्मूला वी जो है पोटेंशियल कितना 6 अपॉन रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ इक्विवेलेंट दैट इज गिवन 25, तो 6/25 करेंगे तो इतना एम्पियर आ जाएगा। इसको डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या गया है तो ये आ जाएगा 0.24 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें आप लोग कैलकुलेशन यहाँ पे इजी करने के लिए क्या किया गया है 4/4 से मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन आप उससे पैनिक ना करो, सिंपली क्या करो 25 से 6 में डिवाइड कर दो इस तरह से। ठीक है, नाउ दैट मींस करंट आया 0.24 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ से करंट जाएगा 0.24 एम्पियर, यहाँ से करंट जाएगा 0.24 एम्पियर। तो करंट जो होता है, मैंने बताया था जब सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था कि करंट जो होता है सीरीज में क्या होता है इक्वल होता है, मतलब यही यहाँ भी 0.24, यहाँ भी 0.24, इसके अक्रॉस भी 0.24 एम्पियर जाएगा। तो हमें बोला गया है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग, तो वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा हुआ है 12 ओम के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल जो होगा अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर वी निकालना है। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू आर, तो आई तो करंट का सर्किट होगा क्योंकि पूरे सर्किट में करंट सेम है, तो वो तो 0.24 एम्पियर होगा इनटू, और रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इसका रेसिस्टेंस लेना है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा गया उसी का रेसिस्टेंस लेना है। इसको अच्छी तरह समझ लो, कहीं पे इक्विवेलेंट होता है कहीं पे कोई पार्टिकुलर रेसिस्टेंस होता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे, अगर सर्किट का करंट पूछा जाएगा तो सर्किट का रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा, और कोई पार्टिकुलर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पूछा जाएगा तो उसी का रेसिस्टेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस में पूछा गया था 12 ओम के, तो इसी का लेना पड़ेगा रेसिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर, तो आई इंटू आर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा 2.88 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह से आपको 8 ओम के अक्रॉस पूछा जा सकता था, तो यहाँ भी उसी तरह से करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम इक्वल टू करंट आई, तो करंट तो कितना है 0.24 इंटू आर, तो इतना ऐड करेंगे, इतना मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। उसी तरह से पोटेंशियल अक्रॉस 5 ओम निकाल लेंगे, इसका भी आई तो उतना ही रहेगा क्योंकि सीरीज में सब, तो 0.24 इंटू रेसिस्टेंस 5, तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो है पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम आ गया, पोटेंशियल अक्रॉस 8 ओम आ जाएगा और पोटेंशियल अक्रॉस 5 ओम आ जाएगा। सबको ऐड करोगे ना तो ये 6 वोल्ट के बराबर आएगा, आप लोग इसको चेक कर लेना एक बार। ओके, नाउ अब इसमें कुछ नोट है सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में क्या है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टर, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है करंट जो होता है थ्रू आउट द रेसिस्टर और थ्रू आउट द सर्किट क्या होगा सेम होगा। फिर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेसिस्टर्स आर डिफरेंट, होता क्या है कि पोटेंशियल जो होगा अलग अलग रेसिस्टर के अलावा अलग अलग होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे 6 वोल्ट पोटेंशियल सप्लाई किए हैं सर्किट में, तो इसके अक्रॉस अलग होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर होता है आई इन टू आर, मतलब क्या है रेसिस्टेंट पे डिपेंडेंट है, रेसिस्टेंस चेंज करेगा पोटेंशियल चेंज कर जाएगा क्योंकि करंट तो सेम हो रहा है, तो जब करंट सेम होगा तो रेसिस्टेंस चेंज करेगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है याद रखना है कि सीरीज में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है अलग अलग रेसिस्टर के अलॉन्ग अलग अलग होता है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, मतलब अगर सपोज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, जैसे सपोज ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सपोज जिस तरह से है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सपोज 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है, तो ये सभी का सभी सीरीज है, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं सबको ऐड करते हैं, मतलब 2+3+4, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4372 9 ओम, ये हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है, ध्यान देना है क्या कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है दैट इज 9 ओम, वो देखो तो हर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से क्या है ग्रेटर है, हर एक इंडिविजुअल से ग्रेटर, 2 ओम से भी ग्रेटर है, 3 ओम से भी ग्रेटर है और 4 ओम से भी ग्रेटर है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा हमेशा याद रखना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का वो हमेशा क्या होगा इंडिविजुअल से ग्रेटर ही होगा, इंडिविजुअल से मतलब क्या ईच रेसिस्टेंस से लार्जर वैल्यू होगा, सभी से लार्ज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नाउ तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा सीरीज में इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ग्रेटर होता है। नेक्स्ट है इफ़ एनी सिंगल रेसिस्टर इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट देन द करेंट फ्लोइंग थ्रू द अदर रेसिस्टर इज 0, मतलब क्या है कि अगर सपोज हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, सपोज यही सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे क्या है कि करंट जो मूव करेगा यहाँ से, करंट जो सर्किट से निकलेगा ऐसा मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वायर गया फिर यहाँ पे जहाँ एंड किया वहीं से नहीं स्टार्ट है, तो वायर नहीं कनेक्टेड है। अगर सपोज गलती से होगा क्या कि कोई एक अगर यहाँ पे कनेक्शन टूट गया, या तो सपोज यहाँ से वायर टूट जाएगा तो आगे करंट नहीं जाएगा,
या फिर क्या हो सकता है कि अगर सपोज कोई यही सर्किट है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, कोई कंपोनेंट है, अगर ये ख़राब हो जाएगा ना, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ये पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सीरीज़ में यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे सपोज इसको हम लोग फिर से इस तरह से ग्राउंड करते हैं कि सपोज़ यहाँ पे है रेसिस्टर, तो सपोज इस तरह से है, फिर यहाँ से जाएगा, फिर इस तरह से रेसिस्टर अलग अलग है, तो यहाँ सपोज सर्किट है, यहाँ पे कुछ कारणवश क्या है, कुछ डिफेक्शन डैमेज हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आगे सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूटेगा तो करंट आगे जाएगा नहीं। तो सीरीज में यही प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई भी एक कंपोनेंट टूट जाएगा, कोई भी एक कंपोनेंट टूट जाता है तो क्या होगा, बाकी सर्किट भी, मतलब बाकी कंपोनेंट भी क्या होता है, वर्क करना बंद कर देता है। तो आप लोग देखते होंगे, अब तो ठीक हो गया, नहीं तो पहले जो हुआ करता था, जो मैरिज समय जो डेकोरेटिंग लाइट हुआ करता था, डेकोरेटिंग लाइट, उसमें क्या है कि कोई अगर पूरा, अगर एक सीरीज होता था बल्ब का, अगर सपोज़ बल्ब का पूरा सीरीज होता था इस तरह से, तो अगर सपोज़ एक बल्ब अगर इधर फ्यूज़ कर गया ना, तो बाकी सभी बल्ब इधर का, मतलब सभी बल्ब जो है, सर्किट जो है, कोई बल्ब नहीं जलता था, मतलब क्या सर्किट ब्रेक हो जाता था, तो पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, तो फिर करंट फ्लो नहीं ना करेगा। करंट फ्लो करने के लिए क्या, पूरा पाथ कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट जो है लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल के बीच का पूरा कनेक्शन होना चाहिए, कहीं भी ब्रेक होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा, तो करंट ही फॉलो नहीं करेगा। तो याद रखना ये चीज़ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक भी कंपोनेंट या कोई भी एक भी अप्लायंस अगर डैमेज हो जाता है, तो बाकी सभी अप्लायंसेस क्या है, वर्क करना बंद कर देता है। तो ये क्या है, एक तरह से डिमेरिट भी होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखना है सीरीज अबाउट। नाउ अब है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग जो कनेक्शन करते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसका मिक्स्ड भी होता है। तो सीरीज तो हमने डिस्कस कर लिया, उसका था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से पहले क्या है, हम लोग क्या है एक टॉपिक थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है कि एक आप लोग को ये चीज़ें पढ़नी है 11th में, लेकिन वो पहले समझ लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है इसको करने के लिए, कि सपोज़ हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से क्या है, मतलब पहली बात तो एक किरचॉफ्स जो है, किरचॉफ्स नाम के एक साइंटिस्ट है, ठीक है, एक फिजिशियन है किरचॉफ्स, उन्होंने क्या दिए थे, दो लॉज दिया था किरचॉफ्स। एक था जंक्शन रूल, एक क्या है जंक्शन रूल, और दूसरा है लूप रूल, लूप LOOP रूल, एक जंक्शन रूल और एक है लूप रूल। तो हम लोग क्या है लूप रूल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ काम का नहीं है तो इसको लूप रूल रहने देते हैं, जो है हमारा काम का वो जंक्शन रूल है। तो पहले इसको समझ लेते हैं जंक्शन रूल क्या है। तो सपोज़ हमारे पास क्या है एक पॉइंट है, सपोज़ यहाँ पे जंक्शन का मतलब क्या है, मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ मोर देन टू और थ्री लाइन्स, इस तरह से बोल सकते हैं जंक्शन है। तो सपोज़ यहाँ से ये एक लाइन आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सपोज़ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, तो हम बोलेंगे कि ये जंक्शन का इतने इतने रास्तों का, जैसे हम लोग चौराहा बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, जब जहाँ पे दो तीन रास्ते मिलते हैं जंक्शन बोलते हैं, राइट। तो जहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट पास क्या आएगा, सर्किट आके एक पॉइंट पे मिलेगा, उसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन बोलेंगे। ओके, नाउ अब जंक्शन रूल होता क्या है कि सपोज़ ये पॉइंट है, अब यहाँ से एक वायर आया, अब फर्दर मान लो कि यहाँ से अलग अलग थ्री वायर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ से इसी जंक्शन से कनेक्टेड है। तो अगर सपोज़ यहाँ से इस जंक्शन पे, यहाँ पे देखिए जंक्शन ए से, तो सपोज़ यहाँ से ए की तरफ ये जा रहा है, ये जो है सपोज़ ए, नहीं इसको ए नहीं बोलो, इसको ले लो बी, और इसको ले लो पी, इसको क्यू, इसको आर। तो हम बी ए जो वायर है, बी ए वायर देखो, ए पी वायर देखो, ए क्यू वायर देखो, और ए आर वायर देखो, इसमें अगर देखें तो करेंट का डायरेक्शन जो है ए पी वायर में, सपोज़ बी से ए की तरफ जा रहा है, और ए पी वायर ए क्यू की तरफ जा रहा है, और ए आर में ए से आर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें, तो जंक्शन ए पे बी से करंट ए की तरफ जा रहा है, लेकिन ए पी ए क्यू ए आर में क्या, ए से बाहर निकल रहा है। तो होता क्या है कि पॉइंट ए पे जितना करंट इन करेगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल करेंट आउट, ए से जितना आउट है उसके बराबर होगा। तो सपोज़ अगर ए बी अगर 10 एम्पियर करंट इन कर रहा है ए पी वायर से, जंक्शन ए की तरफ 10 एम्पियर करंट इन किया, और ए पी से निकल रहा है 3 एम्पियर करंट, और ए क्यू से करंट जो निकल रहा है वो सपोज 5 एम्पियर करंट, और ए आर से निकलेगा 2 एम्पियर करंट, इस तरह से निकल रहा है कि ये इन किया 10 एम्पियर, तब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्रांच है उसमें 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट निकल रहा है। तो इसमें होगा क्या कि इसमें जो इन करंट है, तो टोटल इन जो है एक की तरफ कितना है, 10 एम्पियर करंट है,
और टोटल ए से आउट कितना है 5358 to 10, ये भी 10 एम्पियर। तो जितना इन कर रहा है उतना आउट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल। मतलब किसी जंक्शन पे किसी पॉइंट पे जितना टोटल करंट इन करेगा उतना ही टोटल करंट आउट भी करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल। तो अगर सपोज एक और समझते हैं एग्जांपल, सपोज ये पॉइंट है, बी जंक्शन है, अगर सपोज यहाँ से ये इन किया, दो इन पॉइंट है और सपोज दो आउट पॉइंट है, तो यहाँ पे सपोज 2 एम्पियर करंट इन किया, यहाँ पे क्या है 10 एम्पियर करंट इन किया। अब यहाँ पे सपोज हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं आउट पॉइंट, यहाँ पे एक और आउट ले लिया, तो सपोज 3 एम्पियर ये है और यहाँ से आउट होने वाला सपोज 4 एम्पियर है, तो यहाँ से आउट होने वाला कितना एम्पियर करंट होगा, कितना आउट होगा। तो पहले देखो इन कितना टोटल कर रहा है, तो 10 एम्पियर इधर से, 2 एम्पियर इधर से, तो टोटल कितना जाएगा 10 प्लस 2 12, तो 12 एम्पियर करंट इन किया। इसका मतलब क्या है कि 12 एम्पियर करंट बाहर भी निकलना चाहिए, तो बाहर कितना कितना निकल रहा है 3 प्लस 4, तो 4 और 3 7, तो 7 एम्पियर करंट बाहर निकला, तो कितना बच गया है 5, इसका मतलब ये यहाँ जो है 5 एम्पियर करंट बाहर होगा। तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, जंक्शन रूल, राइट। तो अब उसी तरह से सपोज, अब मान लो कि यहाँ से ये जो वायर है, ये जो वायर आ रहा है, करेक्ट, भाई वायर से ही जंक्शन है, यहाँ से सपोज 3 ब्रांच अलग अलग गया वायर से, तो अगर सपोज ये करंट आई यहाँ से जा रहा था और यहाँ से I1 निकला जंक्शन से, फिर I2 इधर से निकला और फिर यहाँ से I3 निकला, राइट। तो यहाँ पे टोटल करंट जो इन है वो क्या है, I है। टोटल करंट इन कितना है, सपोज ये पॉइंट A पे, ये पॉइंट पे टोटल करंट कितना इन कितना है, A पे कितना है, I टोटल करंट इन है, और ये जो टोटल करंट इन जो होगा दैट विल इक्वल टू द टोटल करंट आउट। तो आउट कितना कितना हो रहा है, I1 I2 I3, तो इसके सम के बराबर ही होगा ना, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो ये जंक्शन पे हम लोग इस तरह से जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं करंट के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है, जंक्शन रूल किसके लिए होता है, तो करंट के लिए होता है, ठीक है। और एक हमने बताया था लूप रूल, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसको जाना, वो पोटेंशियल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, वो काम का नहीं अभी। नाउ हम लोग आते हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसमें क्या है कि व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड, जब रेसिस्टर क्या कनेक्ट करते हैं, इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि सभी रेसिस्टर का एक एंड जो है एक पॉइंट पे होगा और दूसरा एंड जो होगा दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि सभी रेसिस्टर का एक एंड जो है बैटरी का एक टर्मिनल पे और बाकी रेसिस्टर का उसी रेसिस्टर का जो सेकेंड जो एंड होगा वो दूसरे टर्मिनल पे क्या करेगा, कनेक्टेड होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 रेसिस्टर है, R1 R2 R3, तो R1 का जो एक एंड है सपोज इधर, यहाँ पे सपोज ये 1 एंड है, R2 का एक एंड इधर और R3 का एक एंड इधर, ठीक है, इस तरह से। तो तीनों को देखा जाए तो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है यहाँ पे A पे, उसी तरह से दूसरा एंड जो है R1 का यहाँ पे और R2 का सपोज ये और R3 का ये, फिर ये तीनों क्या है B पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंटली जो है ये पूरा जो है इसको हम लोग सपोज करो कि हम डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि पूरा एक एंड जो है तीनों रेसिस्टर का वो पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, उसी तरह से दूसरा एंड है बी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होगा, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, पोटेंशियल वी अप्लाई किए हुए, यहाँ से सर्किट में तो करंट आ ही जाएगा, टोटल करंट तो आ ही जाएगा। अब यहाँ से देखो, तो जब करंट यहाँ से जाएगा तब यहाँ से क्या होगा कि ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस पॉइंट ए से क्या अलग अलग तीन निकल रहा है, तो जैसे ही वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्रांच बनेगा, इसका मतलब समझ जाना है क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब मैंने अभी जस्ट पढ़ा है, बताया है अभी जस्ट जंक्शन रूल, तो ए पॉइंट जो जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे इन कर रहा है, कुछ आउट भी हो रहा है, आउट हो रहा है, तो आउट कितना हो रहा है, तो हम लोग अलग अलग ब्रांच में सपोज इस R1 में मान लीजिए I1 करंट इंटर मतलब आउट हो रहा है, R2 में I2 करंट आउट हो रहा है और R3 सिस्टम में I3 करंट आउट हो रहा है, क्लियर, किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, 3 रेसिस्टर था तो उसका इक्विवेलेंट निकाले थे, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि तीनों रेसिस्टर जो है R1 R2 R3, ये पूरा जो तीनों अलग अलग जो इफेक्ट देगा उसके बदले कोई ऐसा एक सिंगल रेसिस्टेंस ले जिसका इफेक्ट इसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर, तो उसको हम लोग मान लें कि आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, आर इक्विवेलेंट सपोज इस तरह से है। अब ये कैसे निकलता है, तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो कि करंट आई यहाँ से तो गया, टोटल करंट आई गया, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है I1 I2 I3, तो याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है अलग अलग रेसिस्टर में, सीरीज का जस्ट अपोजिट, सीरीज में क्या था करंट सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या करंट डिफरेंट होगा इस रेसिस्टर में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पैरेलल में, एक ही
होगा सबके अक्रॉस, जितना आप सप्लाई करेंगे वी ना उतना ही आर वन के अक्रॉस भी होगा। सपोज अगर 10 वोल्ट सप्लाई करें तो आर वन के अक्रॉस भी 10 वोल्ट, आर टू के अक्रॉस भी 10 वोल्ट, आर थ्री के अक्रॉस भी 10 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि सब एक एक एंड पे ही कनेक्टेड होता है। ऐसे सपोज करो कि ये सब एक ही एंड पे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस। तो इसका मतलब सबको 10 वोल्ट और 10 वोल्ट सप्लाई होगा, जो भी पोटेंशियल होगा सबके अक्रॉस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है डिफरेंट होता है, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है सबके अलॉन्ग सेम होता है। तो जो चीज़ वैरी कर रहा है उसका सम लिख लो, तो यहाँ पे करंट वैरी किया तो आई इक्वल टू क्या लिख लेंगे, टोटल करंट आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, मतलब तीनों का सम के बराबर, तीनों जो ब्रांच में गया उसके सम के बराबर हो जाएगा, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आई वन जो है दैट इज करेंट अलॉन्ग किस रेसिस्टर के अलॉन्ग है, आर वन के अलॉन्ग है करेंट। तो करेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वी बाई आर लिखते हैं। तो हम लोग अगर करेंट अलॉन्ग फर्स्ट रेजिस्टर निकालेंगे तो आई वन इक्वल टू भी, तो भी के तो सबके अलॉन्ग भी ये भी रहेगा क्योंकि पैरेलल में सबके अलॉन्ग भी होता है, अपॉन रेजिस्टर, तो पहला का रेजिस्टर कितना है आर वन, तो भी बाई आर वन हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आई वन के जगह पे भी बाई आर वन। उसी तरह से हमारे पास है आई टू, तो आई टू क्या है सेकेंड रेजिस्टर, तो सेकेंड रेजिस्टर के अलॉन्ग आई टू निकालेंगे करेंट, तो करेंट क्या होता है भी बाई आर, तो भी तो अभी भी ये रहेगा सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, अपॉन आर, तो आर क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस आर टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर टू, तो भी बाई आर टू। उसी तरह से थर्ड रेसिस्टर के भी अपॉन आर थ्री निकालेंगे, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब यहाँ पे देखो तो वी जो है सब में कॉमन न्यूमिनेटर, तो वी हैड टेकन द कॉमन, हमने क्या किया वी कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। इस तरह से अब क्या करो आई का, अब वी को जो है इधर ले आए एल एच एस किधर लाएंगे, तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई अपॉन वी, आई अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो आई बाई वी का वैल्यू आ गया क्या वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। अब ये जो आई बाई वी है तो ये क्या है, तो अब देखो इसको हम लोग वी इक्वल टू क्या लिखते हैं आई इंटू आर। अब यहाँ पे आई बाई वी है तो क्या करो वी को इधर ले आओ और आर को इधर लाओ, तो आर इधर आएगा तो डिवाइड, तो वन अपॉन आर हो जाएगा, या फिर ऐसा करो वी ओपन आर हो जाएगा, वी को भी रखते हैं उधर ही वी ओपन आर इक्वल टू आई। अब वी को क्या करो आर एच एस मूव कराओ तो डिवाइड हो जाएगा, तो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन सॉरी आई अपॉन वी हो जाएगा, आई अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग आई अपॉन वी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं वन अपॉन आर से, और ये जो आर है वो क्या है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वो क्या है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसीलिए वन अपॉन आर इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमने जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकालते हैं दैट इज इक्वल टू हाउ मच वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो सीरीज में याद करो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे था, सीधा सीधा ऐड था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना है तो वन अपॉन आर सबका रेसिप्रोकल ले लो, बस सबका रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, बस वही चीज़ करना और कुछ नहीं है, वन अपॉन आर मतलब सीरीज का जस्ट रेसिप्रोकल लेना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो इसी तरह से अगर एन रेसिस्टर होगा तो इस तरह से सबको ऐड कर देंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि उसमें जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है इंडिविजुअल से क्या होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से बड़ा होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से छोटा होगा, सबसे छोटा होगा वो, ठीक है, जो जो रेसिस्टर अपीयर होगा सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद है इफ़ एनी रेसिस्टर इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट देन द टू ऑल्सो करेंट रिमेन्स फ्लोइंग द सर्किट। मतलब क्या है कि अगर सपोज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लो कि ये सर्किट कट गया, मान लो सपोज इसको हम यहाँ से काट दिए वायर को, सपोज ये वायर को क्या कि हम कट कर दिए, ये वायर कहीं से कट गया तो कट जाएगा, तो करेंट तो यहाँ से फ्लो कर रहा था तो होगा क्या करेंट तो इस ब्रांच में आएगा इस ब्रांच में आएगा इस ब्रांच में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या अगर एक सर्किट अगर ब्रेक कर जाता है चाहे कोई एक एप्लीएंस ये हो जाएगा डैमेज हो जाएगा तो बाकी सब जो है वर्क करते रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो मूव करते रहेगा। तो ये इसका मतलब क्या ये वर्क करेगा ये वर्क करेगा। ओके, मतलब करेंट जो है बाकी सब में फ्लो करेगा। तो यही है इस मेन पॉइंट, और जो रिमेनिंग पॉइंट है उस सबको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आप लोग क्या करना है कि प्रीवियस पार्ट और इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, सो दैट कि नेक्स्ट पार्ट जब वीडियो हम लोग लाएंगे तो उसको समझने में और क्वेश्चन हम लोग उसमें वर्क करेंगे। सो एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।